हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल नंदा ऑल राउंडर। तो ये जो क्लिप है ये संडे की, मैंने दो दिन की मिला के की है। तो ये संडे को मैंने ना कंबल धो लिए थे, मतलब मैंने अकेले ने सिद्धार्थ जी और मैंने हम दोनों ने मिलके धोए थे, सूख गया। तो मैं देख रही थोड़ा सा, देखो अभी गर्मी का टाइम है ना तो कितना जल्दी सूख गया, नहीं तो ये ठंडी में 3-4 दिन तक नहीं सूखता। तो थोड़ा सा किनारा था तो मैं सोची थी कि रस्सी पे डाल दूँ, लेकिन रस्सी टूट गई तो मैंने कहा चलो पंखे में सूख जाएगा, थोड़ा सा किनारा ही बाकी था। और ये कपड़े भी इनके यूनिफॉर्म वगैरह धो लिए थे डिंकी परी के, क्योंकि मंडे से परी का भी स्कूल चालू हो गया था, क्योंकि रिजल्ट लगने के बाद तो परी और डिंकी का तो है ही चालू, तो परी का भी चालू हो गया था। तो प्रेस वगैरह करने थे तो मैंने कपड़े वगैरह निकाल लिए और बस प्रेस रात को कर लेंगे। तो यही है सन, फिर उसके बाद में ना राउंडर। तो देखिए टिंकर आ गया है, अचानक से गया था, अचानक से आ गया। हाय बोल दे। हाय हाँ, वो आ गया अपने मम्मी को मिल के। गाँव में बहुत गर्मी है, भक्के आ गया वो गर्मी के चक्कर में। और अभी आज है संडे और 4 तारीख है ना, है ना डिंगे 4 तारीख। यहाँ पे देखिए पैसे गिनने, सिक्के गिनने लगी है डिंकी। ये देखिए डिंकी के लिए पैसे भेजे सिक्के उसके बड़े पापा, मतलब टिंकल के पापा ने। तो वो देख रही है कि कितने हैं सिक्को, मतलब सिक्के सिक्के भेजे हैं, क्योंकि उनका बिजनेस है तो वो सिक्के, मतलब उनके सिक्के मिलते हैं तो वो बच्चों को दे दिए। और परी भी देखो, परी दिखा, परी भी अपनी गिन रही है कितने करके भेजे टिंकल के हाथ में। बस इतने में तो सिक्कों का बाजार लगा है। और मुझे ये चाहिए भी थी चेन मम्मी, ये चाहिए थे क्योंकि पता है जब वो कस्टमर आते हैं ना मेरे पास है ना चेंज ही नहीं रहते हैं। तो मैंने हो गया फिर 200-300 रुपए के वो चेंज। तो वो देख रहे कितने पैसे भेजे, सब गिन रहे होंगे, 100-200 होंगे तो देख रहे हैं वो लोग। तो बस और जैसे ही टिंकल आया बच्चों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, डिंकी परी खुश हो गए हैं। और पूरा पोली लाए हैं हम, वो टिंकल के मम्मी ने। तो टिंकल की मम्मी मेरी बड़ी दीदी है और वो मेरे मायके में रहती है, क्योंकि वो बचपन से ही बच्चे, मतलब गांव में उनका ससुराल था, तो गांव में ससुराल था तो वहाँ पे है ना बच्चों की पढ़ाई नहीं थी तो वो वहीं पे रहती है। और बस फिर बाकी आगे का बाद में बताऊँगी कैसा है मेरा परिवार, क्या है कैसा है ना। तो यही है, तो बच्चियाँ खुश हो गई है, बाद में मिलती हूँ मैं आपको। और अभी बन रहा है पनीर संडे, तो पनीर बन रहा है और आज मैंने बना रही हूँ। तो फिर ये देखिए, फिर हम लोगों ने संडे था ना, तो संडे के दिन अभी नव दुर्गा चल रहे थे नवरात्रि, तो हम लोग नॉनवेज वगैरह नहीं खा रहे 9 दिन। तो यहाँ पे पनीर की सब्जी बनाई थी और ये पनीर जस्ट पनीर ही था, बाकी कुछ ही नहीं था, बहुत टेस्टी बनी थी पनीर की सब्जी। फिर उसके बाद मैं एकदम आपको नेक्स्ट डे यानी मंडे के दिन मिली हूँ, तो मंडे के दिन ये लंच का आपको साथ शेयर कर रही हूँ। इतने में हमारी गैस भी जल जाती है, सब्जी पक जाती है। तो ये जो सब्जी बनाई है लाल शिमला मिर्च और हरी शिमला मिर्च और आलू, कितना अच्छा दिख रहा है ना कॉम्बिनेशन, बहुत टेस्टी बनी थी। जैसे ये सब्जी पकी वैसे मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो फिर बस फिर क्या था हीटर पे मैंने रोटी बना ली थी बच्चे आने के बाद 2 बजे। तो क्या है हीटर भी थोड़ा सा मतलब ख़राब हो जाता है ना, तो बार बार नहीं कर सकते। तो ये देखिए यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ। हेलो फ्रेंड, तो अभी मैं है ना दूसरे दिन आपको डायरेक्ट मिल रही हूँ। अभी आज है मंडे, तो कल मैंने थोड़ा सा ही बनाया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। तो अभी है ना मैंने खाना बना लिया था लंच, तो इतने में क्या हो गया गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया है। अब रोटी बनानी बाकी है, मैंने सब्जी और चावल बना लिए थे। अभी 1 बज गया है, तो 1 बज गया है अभी डिंकी परी आएगी तो रोटी बनानी है। तो देखते हैं अभी गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया तो हीटर पे है ना रोटी बना लूँगी मैं। वो क्या है दोपहर को बहुत गर्मी होती है ना, तो मैं हीटर पे नहीं ठंडी के दिन यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन उस दिन नहीं करती हूँ। तो देखते हैं अभी सब्जी शिमला मिर्ची बना ली है और चावल बन गया। जैसे ही मैंने मतलब रोटी तवा रखा तो चला गया, तो अच्छा हुआ कि जो मतलब ये रहता है ना क्या बोलते हैं, अरे अच्छा पता नहीं मैं भूल गई कुछ। तो बस यही है। और अभी डिंकी परी आएगी स्कूल से, 1 बज गया है, बहुत धूप होती है, स्कूल वालों ने ना बंद कर देना, बहुत दया आती है
क्योंकि है ना मैं एक दिन लेने गई थी ना, तो इतनी धूप से मैं पागल हो गई, तो मैं बोली उसको कि मैं लेने नहीं आऊँगी क्योंकि वो सारे बहुत सारे बच्चे आ जाते, तो बोली ठीक है मम्मी। तो अभी पता नहीं कैसे मतलब इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और स्कूल बंद कर देना चाहिए कुछ दिन चला के, भलाई जून से 1 जून से स्टार्ट कर देना चाहिए, लेकिन है ना इस समय लू लगने का डर रहता है और स्कूल वाले बिल्कुल अपने फीस के लिए बिल्कुल 12 ही महीने स्कूल चालू कर देते हैं। देखते हैं अभी, तो अभी चावल सब्जी खा लेंगे, नहीं तो फिर वो आएगी तो थोड़ा सा हीटर है ना मेरे से बिगड़ गया तो सुधर नहीं रहा, तो डिंकी है ना कर देती है, मेरे को बहुत डर लगता है लाइट से, वो बिल्कुल प्लग लगा लेती है, तो देखते हैं बाद में। फिर उसके बाद मैंने आराम वगैरह कर ली, उसके बाद बहुत दिनों के बाद कुहू आई थी, ये मेरी नंद की पोती है, छोटे बेटे की लड़की और पीहू की बहन है ये, तो ये बहुत दिनों के बाद आई थी, वो स्कूल जाने लगी है ना, तो आज आ गई थी, तो वो देखो ये दोनों लोग है ना मस्त मस्ती कर रहे हैं, और मैंने इनके लिए चिप्स तले थे, तो ये पीहू परी के साथ मस्ती कर रही थी। गर्मी के दिन आते हैं, हमको बहुत सताते हैं, कहाँ खेलने जाए हम, तेज धूप के निकल एकदम, खेल का मैदान गरम, लोगों को आते नहीं शर्म, कहीं ना चैन ना पाते हैं, मनी मन जितलाते हैं। एक ही था। फिर पीहू चली गई, कू चली गई थी, उसके बाद फिर ये देखिए मैंने मलाई है ना, मेरा घी ख़त्म हो गया था, तो मैंने चलो सोचा कि अभी घी निकाल लिया जाए, तो मैं यहाँ पे घी निकाल रही हूँ, मुझे ना ये मशीन जब से आई है ना, ये ब्लेंडर बीटर, तो इतना मतलब ये हो गया है कि मैं कभी भी बना सकती, नहीं तो मुझे ना बहुत टाइम लगता था और हाथ धुको वो अलग था, तो यही है। उसके बाद फिर ये बन गया, उसके बाद ये देखिए सिलेंडर हमको मिला ही नहीं, क्योंकि वो क्या हुआ था मतलब ख़त्म हो गए थे, तो हम दूसरे दिन नंबर तो लगा लिए, सुबह लाएंगे, तो ये यहीं पर हम रोटी बना लिए, तो हमारा डिनर का ये था, और दाल सेव की सब्जी और ये रोटी। तो बस 10 बज चुके हैं और मुझे ना बहुत छाले आ गए बहुत ज़्यादा यहाँ पे और नड्डे में, तो मैं है ना ये कैप्सूल खा रही हूँ, और है ना मुझे वीडियो का एंड भी करना था, तो मैंने सोचा चलो कैप्सूल खा के आपको दिखा देती हूँ और उसके बाद एंड भी कर देती हूँ। तो गाइज ऐसा ही है, और कुछ बातें भी करनी थी, पहले खा लूँ फिर उसके बाद वही बातें कर लेती हूँ। तो है ना ऐसा है कि भाई ऐसे कुछ कुछ लोग हैं जो मतलब आजकल की दुनिया में ऐसे मतलब भी लोग हैं कि काम हो जाता है, काम रहता है तो गधे को भी ये बाप बनते हैं बनाते हैं, और फिर उनका काम निकल जाता है तो वो क्या देखना क्या पूछना भी उनकी क्या हालत है क्या है पूछना भी भूल जाते हैं, तो ऐसे मतलब भी जमाना है, बहुत से ऐसे है कि जो मतलब बस अपने मतलब के लिए ही रिश्ते यूज़ करते हैं, फिर मतलब हो जाए तो छोड़ देते हैं, और जब उनको और काम होता है मतलब ऐसे जमाने का ये रूल है, तो इस टाइप का है। तो ये वैसे छाले भी मेरे ये है, इतने छाले आते हैं जब देखो तब मेरे पीछे पड़े जाते हैं, जब देखो तब मेरे पीछे पड़े जाते हैं, तो गर्मी का टाइम आया कभी मुझे छोड़ते ही नहीं, और इसी के साथ मैं अपना वीडियो भी एंड कर देती हूँ। और हाँ गाइस जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, जल्दी जल्दी मैं आगे बढ़ूँ और जल्दी जल्दी मेरा डॉलर बन जाए। तो बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।